दादी दोनों ने ना नया दुकान अब क्या हुआ जी किताबें जो करो भगवान सबसे खुश होएंगे मन में रखो सब कुछ। तो गाइस फाइनली मैं शॉप पे आ गई हूँ और हमारा जो है अब होने वाला है, बट उससे पहले भाभी पूजा कर रही है। अभी पूजा यहाँ पे कुछ जोर से बोलो तैयारी हो रही है तो अभी होगा पूजा। चलो खुल रहा है आंटी को खाने में मजा मिल रहा है। ये है जो हमारा फाइनली टेबल लग गया है बाहर। कुछ माल हम बाहर रखेंगे ताकि मतलब ऑन रोड लोगों को दिखाई दे। अभी कुछ ज़्यादा बड़ा शॉप नहीं कर रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ लगाने का कोशिश कर रही हूँ। आजा आजा पहले बुला रही हूँ आजा तनु मैं बैठ के ऐसे करते रहूँगी लाफिंग बुड्ढा की तरह। लाफिंग बुड्ढा कैसे करता है वैसे ही करूँगी। बीच में बनाओ। हाँ बीच में उल्टा सात बना दे। हाँ बस अब बना दे हो गया। यही से धूप बत्ती को जला दो। हाँ चावल लगा दो। मिठाई चढ़ाओ। पैसे हमारा फर्स्ट माल का बिका हुआ फर्स्ट इनकम जो भी तन्नू के हाथ में जा रहा है पूजा करे हुए क्योंकि लक्ष्मी है ना हमारी तो लक्ष्मी के हाथ में ही जाना चाहिए। और हमारे यहाँ बाबा खाटू से हम बैठ गए हैं। जय बाबा। मिठाई खिलाओ सभी लोगों को। चादर लेकर नहीं आई तो चादर लेकर आई हूँ। हाँ तो चादर मिठाई से आओ खाओ सभी। आप लोग भी खाओ हमारे ही शॉप के ओपनिंग में मिठाई खाओ। तो गाइस फाइनली जो है शॉप के बाद जो है घर आ गई। अब टाइम हो गया है 8:20। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए ज़्यादा लेट तक नहीं रुकी, चली आई घर। और इन दोनों बैठ के पढ़ाई कर रहा था, देख के अच्छा लगा कि थोड़ा सा समझदार हो गया है कि पढ़ाई कर रहा है। और फर्स्ट डे आप लोगों को लग रहा होगा फर्स्ट डे कैसा रहा। तो आज पहला दिन था है ना, तो आज तो लोग मतलब जान नहीं रहे थे तो ये दो आए पूछ कर गए। धीरे धीरे ऐसे ही होगा बट आज मतलब वहाँ पे सेल नहीं हुआ। जो मेरा घर से सेल हुआ है वही हुआ है, शॉप पे एक भी सेल नहीं हुआ कुछ भी नहीं। तो बस चली आई और यहाँ पे बच्चे के लिए मिठाई लेकर आई हूँ। लो मम्मा अगर शॉप खुलने को खुशी में मिठाई को हाथ में लो। लो समय तो आप लोग भी खाओ मेरी तरफ से मिठाई मेरे शॉप खुलने की खुशी में। और बस अच्छा हो, मैं तो ये चाह रही हूँ बस अच्छा हो है ना।
तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ गाइस, तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो गाइस यहाँ पे घर आने के बाद बहुत ज्यादा थक गई, मतलब अभी आई मंडी, गई मंडी से सब्जी लेकर आई, फिर राशन लेकर आई, तो बहुत ज्यादा ही थक गई थी। अब हिम्मत नहीं था कि खाना बनाऊं, लेकिन होता है ना, कुछ भी होता है तो भगवान अच्छा करते हैं। तो ये जो है मेरी फ्रेंड है, वो पकौड़े बना के भेजी है, सॉस भेजी है, देख सकते हो आप लोग, और साथ के साथ चटनी भी भेजी है, और इसमें गाजर का हलवा भेजी है। तो अभी फिलहाल हम लोग यही खा लेंगे, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा है मुझे कुछ करने का, बहुत ज्यादा थक गई। क्योंकि मॉर्निंग में मैं बताई थी इसके पहले फोल्डिंग वगैरह लेने गई थी, फिर उसके बाद दुकान का सेटअप लगाना, ये करना, और थोड़ा सा मतलब फर्श नहीं है बट नहीं कुछ हुआ, तो थोड़ा सा तो हट होता है ना, लेकिन फिर भी हिम्मत रखी हूँ कि आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में कोई बात नहीं, निराश नहीं होना चाहिए। और बाकी अभी यहाँ पे भी कॉलोनी में लोग जैसे जैसे जानेंगे, मुझे आशा तो है कि मेरी सेल हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी, बट थोड़ा सा जहाँ पे लगाई एक दो भी सेल हो जाता तो थोड़ा सा सही लगता, बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे कोशिश करेंगे, आज न कल होगा ही होगा। कहावत सुनी हूँ, मेहनत करने वाले को हार नहीं होता है, तो मैं भी यही आस लेकर चल रही हूँ कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, हद से ज्यादा मेहनत जो कहा जाता है ना करना, हद से ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, कभी ना कभी भगवान को दया मेरे ऊपर आएगा ही आएगा। तो बस यही है, उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इतने थके हारे में मेरे लिए पकौड़ा बना के भेज दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइज फाइनली बाय बाय, टेक केयर, और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूंगी, क्योंकि मेरा हिम्मत अब कुछ नहीं है करने का, अब मैं खा के सो जाऊंगी चुपचाप, बर्तन भी जो पड़ा है मॉर्निंग में धोऊंगी। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग अपना सपोर्ट पीछा मत छोड़िएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए, और बाकी जो भी होगा बातें नेक्स्ट ब्लॉग में करूंगी गाइज। फाइनली बाय बाय।